गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आपको अपने चैनल की एक न्यू वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी जिसमें एक पापड़ वाले को क्राउड मार देता है, उसको तशद्दुद करके मार देता है और उसके बाद वहाँ पे उसकी लाश पड़ी है और सब लोग इतने मज़े से खाना खा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कहाँ पे गई हमारी इखलाकियात? मुझे बताएं, रियासत मदीना बनाने की जिम्मेदारी इमरान खान की रह गई है? हम सारा कुछ अपना बेच बाच के खा चुके, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन जीता है कौन मरता है। हम इंसान को एज एन ऑब्जेक्ट लेते, एक ये चीज़ कभी सोचते ही नहीं है कि ये एक जानदार है, इसमें जान है, इसको तकलीफ होती है। अब देख सकते हैं कि वो नेपाल के जो बंदे के साथ क्या हुआ था, पाकिस्तान में उसको भी तशद्दुद करके मारा गया और पेट्रोल फेंक के आग लगा दी गई। उससे पहले भी पाकिस्तान में ऐसे बहुत किस्म के वाकयात हो चुके हैं। आखिर हमारे अंदर इंसानियत कब जागेगी या कब हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? मैं इस चीज़ की पर्सनली ज़ाती तौर पे मज़म्मत करता हूँ और आई होप सो कि आप इस बारे में अपनी राय देंगे। और हमें अपने बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को डिस्कस करें, एक दूसरे के अंदर एहसास पैदा करें, ना कि इन बातों को छुपाया जाए। तो मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त थी कि एक दूसरे का ख्याल रखें। जीते तो अपने लिए इंसान ही है, इंसान क्या जानवर भी अपने लिए तो जीते ही है ना, हमें दूसरों के लिए जीना है। एटलीस्ट इतना तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि ज़िंदा रहना हर आदमी का हक है। चलिए, अगर कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है, एटलीस्ट इतनी इंसानियत तो होनी चाहिए कि बंदा वहाँ पर बैठ के खाना तो ना खाए। हैं, ये तो हो सकता है ना कि उसको हॉस्पिटल में पहुँचा दिया जाए, या जो है ना कहीं पर अगर आप किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं तो आप इदारों को इन्फॉर्म कर दें, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। ये तो बिल्कुल इखलाकी पस्ती है ना। तो ये मेरी एक छोटी सी सोशल वीडियो थी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।